हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोना शेयर विद यू अ संडे व्लॉग। आई नो कि संडे व्लॉग तो बहुत 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 लेट हो गया है। मैं रात को ही अपलोड कर देती हूँ, बट क्या करती है, एडिट ही नहीं हुआ था यार सुबह से। मतलब इतना लेट उठी हूँ मैं आज और संडे के दिन, और एक तरफ तूफ़ानी बारिश। ऐसे यू कैन सी गाइस कितनी ज़्यादा बारिश है इस व्लॉग में, आप देखना कराची की बारिश कितनी तूफ़ानी थी। और दूसरी तरफ मेरे तूफ़ानी कज़न्स, तो इनसे टाइम ही नहीं मिल रहा था और लेट घर आए, लेट सोए, लेट खाया, लेट पता नहीं क्या क्या हुआ, और लेट गई तो पता नहीं क्या क्या हुआ। एनीवेज गाइस, व्लॉग में आप लोग सारी मस्तियाँ सारी शैतानों को देखोगे, तो देखने से पहले मेरी व्लॉग को चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो देखते हैं। यू गाइस, अकेले सहरी कर रही हूँ और ये ऑमलेट की ऐसी की तैसी हो गई है क्योंकि गैस नहीं आ रही थी। तो रात को मैंने जल्दी जल्दी में ऑमलेट बनाया बहुत ही स्पीड में, और ये टिक्कियाँ बनाई जल्दी जल्दी, पूड़ियाँ बनाई। और ये आप लोग समझ रहे होंगे गाइस कि हम चिड़ियाघर में बैठे हुए हैं, बट आप बेसिकली हम बैठे हुए हैं अपनी कार के अंदर, और यहाँ बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आज हमें किसी भी तरह नानी के घर जाना है क्योंकि वहाँ कुंडे के लिए हमें पहुँचना है जल्दी टाइम पे, बट यहाँ पे तो बहुत ही तूफ़ानी बारिश हो रही है गाइस। और हम निकल तो आएँ, और अभी फिक्र भी हो रही है, टेंशन भी हो रही है हमारे घर में किटन्स की कि वो पता नहीं, वैसे तो हम लोगों को सेफली रख दिया था, बट आई थिंक पता नहीं क्या हरकतें कर रही हैं, कोई छत पर ना निकल जाए, और उन्होंने आज बहुत काटा भी है मुझे। उनका कुछ नहीं है, वो कुछ थोड़ी कहेंगी ऐसे, उनको जो पता है कि मसला चल रहा है। वो आज आप मेरे साथ कराची की बारिश इन्जॉय करें, जरा देखिए कितनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है, फुल मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं। ओ, और मम्मा डर के मारे दुआएं पढ़ रही हैं। मम्मी रानी तो चुप हो चुकी है, और मैं और आप ही खेल रहे हैं कार की विंडो पे काटम कुटी, पर मैंने रेनी डे लिख दिया जो नज़र ही नहीं आ रहा, पूरा बह रहा है। एक्चुअल में कार के अंदर भी थोड़ा थोड़ा पानी आने लगा है गाइस, हम लोग की कार बहुत ज़्यादा पानी में चल रही है इस वक्त। ये हुआ क्या था अभी? हैप्पी रेनी डे, पूरी फैमिली की कॉल्स आ रही है, पूरा खानदान परेशान है। पानी पे है, ये देखो गाइस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है हमारा कराची पानी में डूब डूब के, और ऐसा लग रहा है हम लोग सीवियो आए हुए हैं। सीवियो भी क्या होगा यार, ये पता नहीं, सीवियो में ड्राइव कर रहे हैं हम लोग, और दिखाएगी इनको पता है बेटा वहाँ पे भी यार लाइटें शाइटें जा चुकी है पूरे कराची में, और हम अंधेरी रात अंधेरी रोड पे पता नहीं कैसे पहुँचेंगे नानी के घर। सब लोग कॉल करके कह रहे हैं वापस चले जाओ वापस चले जाओ, भाई वापस जाना भी आसान नहीं है यार, अभी कार इतनी गर्म हो चुकी होगी, वो वापस इतना लंबा कैसे जाएगी, पूरा एक घंटा हो चुका है अभी तक हम नीपा पे नहीं पहुँचे। अभी जो वीडियो आ रही थी तो गाड़ी के ऊपर उसके हाथ के ऊपर चली गई, वो हिला नहीं, जमीन पे लेट गया, मार दे मुझे मार दे। क्या सीन है भाई, सीन देखिए गाइस आप लोग, ना मुझे वो मारते हैं ना वो करते हैं, रोड पर चल रहे हैं ना, रोड को उठा के साइड में कर पॉइंट पर मार देते हैं, वही तो लग रहा है। ओ कितने प्यारे प्यारे शेड्स आ रहे हैं ना,
इन्जॉय कर लो गाइस, इन्जॉय दिस वेदर। तो गाइस मेरे साथ ज़रा इस वेदर को इन्जॉय कीजिए, फिर हम नानी के घर जाके भी इन्जॉय करेंगे अगर हम नानी के घर पहुँच गए तो। ये चीज अबे यार क्या डूबे डूबे ट्रक जा रहे हैं भैया, सबको पहुंचना है अपनी मंजिल तक और हमें पहुंचना है अपनी नानी के घर तक, और लोग धक्के लगा रहे हैं अपनी कार्स को, बाइक्स ज़्यादातर बाइक्स स्लिप हो रही हैं भाई, पता नहीं क्या क्या सीन है। और क्या प्यारे प्यारे शेड्स देखने को मिल रहे हैं यार, ये देखो अंधेरे में यार फुल मज़ा आ रहा है मुझे। लेकिन गाइस सही बात है, घर पे जो किटन्स पड़ी हैं उन बेचारियों की फिक्र हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि नानी के घर से ये लोग बहुत लेट 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 आते हैं वापस, तो मुझे बड़ी फिक्र हो जाती है। पता नहीं चल रहा बेटा, तुम एकदम से वहाँ पे तेज पानी आएगा ना पता चलेगा। कुछ नहीं पता गाइस कि हम नानी के घर पहुंच पाएंगे या रास्ते में अल्लाह ना करे कुछ हो, लेकिन आई होप पहुँच जाए तो अच्छा है, वरना पूरी रात पंखे शंखे होंगे, मतलब क्या बोलूँ मैं, मुझे तो इतनी ठंड लग रही है ठंड के मारे। गरीब है ना, कम ही आता है, 3000 आता है। ये शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज जो बनाई है अच्छा भैया, तुम लोग कैमरा ले रहा होता है पूरी वीडियो बना के करा के बोलती है अली वीडियो तो अपलोड कर दो, काहे वीडियो अंदर वीडियो ही नहीं, बात के ऊपर चला गया देखना भाई, हमारे सीडीआई में नहीं जाए पानी में थोड़ा सा गिर जाए, मैं आपकी वीडियो बना दूं, आज गिरी नहीं रहा कि वीडियो बनाऊं, मैंने पूरी साफ करवाई थी। यू गाइस हम पहुंच के नानी के घर, और पहुँचते ही उन्होंने जल्दी से घूमने के लिए जो भी था वो रख दिया है सबके सामने, और ये छोले हैं, ये दही भरे हैं, और ये मटर पुलाव है, और कीमा है, और ये आलू की तरकारी है, और वो टिकिया है जो मैंने बहुत ज़्यादा खाई है घर पे। चलो बस बनते थे ना हॉर्स, लाइट चली गई गाइस, खाने बैठी थी और अभी धीरे में खाना पड़ेगा। रख दो क्या, तुम इतनी चुप क्यों हो, तुम इतनी चुप क्यों हो आज, एक नगड़ा टूट गया, समर का गोलगप्पा टूट गया, टूट गया हो गई बेवकूफ इंसान, उसको जेल का कैदी लग रही है। की बच्ची तुम इसके अंदर, वाह वाह ये टुकड़े हाथ सब क्लियर हुआ है। हाँ भाई दिखाएगा, ये देखें ये एक हाथ से उठा लिया बनाओ।
करके इसको मैंने तगड़ा बना दिया है। अल्लाह पूछेगा, मैंने बताती हूँ ये सब ऐसा नमूना गिर गया ये लग जाएगी, पूरी बात लग जाएगी। बैठ के अबे यार बैठ के खेले जो अच्छा बच्चा होगा वो तभी से बैठेगा। हाँ अब चलो अब खेल, अरे फाइटिंग फाइटिंग नहीं खेल रहा है, आ जाओ ये काव वाला खेल रहा है। क्या कर रहे हैं, रुको रुको सही है। आधी रात के वक्त पता नहीं मोमबत्ती उठा के हर जगह फेर रही है। मैंने आके पूछा क्या कर रही है, फिर अभी कह रही है कि मेरा दिमाग पागल हो गया है। अच्छा अभी मैं आती हूँ आपके YouTube पर वीडियोस बनाते हैं गाइस, तुम किसकी साइड हो? बच्चे से पिट रहा है देखिए गाइस, उसने मुझे पागल बोला है, मुझे पागल बोला था और फिर ये बहुत बस बहुत थक चुके हैं गाइस। और अभी बच्चे को छोले दे रहे हैं, वो खाला और कज़न फिनिश कर रही हैं और इतनी रात को छोले खा रही हैं, उनके पेट में क्या होगा। एनीवेज गाइस चलो गाइस इसी के साथ साथ फिनिश करते हैं ब्लॉग को और वापस जा रहे हैं अपने घर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।